सोचा था जब आपको सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती थी कि तकलीफ होगी पर आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है राज। इससे अच्छा तो यही होता कि आप इसी वहम में रहते कि सुमित्रा भी सिर्फ आपका भला चाहती है। मुंह पर क्या गुजर रही होगी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए राज। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कभी नहीं सोचा था मैंने कि शाइना इतना गिर जाएगी। मेरी माँ शाइना। अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगा तो मैं अपने परिवार या फिर खो को कैसे संभालूंगा। शाइना को का इस्तेमाल कर रही है, पर कोहू को अगर जरा से भी यहाँ चाहिए तो मैं कुछ नहीं होगा। हम हैं ना कोहू के साथ, और आज आपने देखा नहीं हमारी छोटी सी कोहू कितनी समझदार हो गई है। वो जानती है कि सच में उससे कौन प्यार करता है, कौन उसकी परवाह करता है। राजा जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बात तो क्लियर है कि आपको सुमित्रा आंटी के सामने दिखावा करना होगा, उनको दिखाना होगा कि आपको कुछ नहीं पता। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पैसों की लालच में वो दिल मिलाकर जरूर कोई ना कोई गलती कर देंगे, और फिर उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप स्ट्रेस मत लीजिए राज, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने इस घर में जितने पैसे छुपाए थे सब यही रखे थे अलग अलग जगह पर कि किसी को शक ना हो। मैंने कहाँ चले गए? खर्च हो गए होंगे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो पैसे टिकते ही नहीं है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत जो हो गई है तुम्हें। लेक्चर सुनने के पैसे देंगी मुझे तो बोलते जाइए, वरना मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं करूं क्या। अगर पहले मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हें। कितनी बार समझाया था कि अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा बखेड़ा शुरू करना था ना, कर लिया तुमने। अगर ये काम मुझे करने दिया होता ना तो अब तक पैसे हमारे हाथ में होते। अगर पैसे आपके हाथ में होते ना तो आप मुझे उनमें से चंद रुपया ही देती। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, इस काम में बराबर के हिस्सेदार हूँ, और अपना आधा हिस्सा तो लेकर ही रहूंगी। अरे आधा पौना क्या, राज एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा ना। सोचा भी नहीं था कि वो बेवकूफ राज इतनी अकलमंदी का काम करेगा। पूरा का पूरा पैसा एक ऐसे ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया कि किसी और के नाम ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। बहुत बुरी फंस गई मैं। एक रास्ता है, आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है और राज मुझे बेस्ट ऑफ लक बिना बोले ही चले गए। सोमपेरी लुसू। राज आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भूल गई तुम? भूल गई मैं? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लिया है मैंने, ये देखिए, ये देखिए। भूल गई, शायद कुछ और भी भूल रही हो। वापस से मैं ही भूल रही हूँ। पेन? भूल तो खुद रहे हो, मुझे भूल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक भूलना नहीं आता। पेन? और दूसरा पेन? दूसरा पेन? हाँ, अगर एग्जाम में ये पेन खराब हो गया तो अपना एग्जाम कैसे कंप्लीट करोगी? सोचा इसके बारे में? नहीं। पकड़ो इसे, दूसरा पेन। और ये पेन मेरा फेवरेट पेन है, मैंने अपने सारे एग्जाम इसी से दिए। इसका मतलब ये आपका लकी पेन है? लकी नहीं, फेवरेट पेन। और ये पेन इसलिए दे रहा मैं तुम्हें
ताकि तुम इस पेन से अपने सारे एग्जाम्स दो और क्या पता अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हो जाए। अच्छे मार्क्स के चांसेस, बेस्ट ऑफ लक बोलने का तो चांस ही नहीं मिल रहा इनको। क्या हुआ मनीमन, कुछ बोल रही हो? अच्छे से पढ़ी नहीं क्या? याद नहीं तुम्हें एग्जाम? मुझे सब याद है, थैंक यू सो मच। ओके, क्या हुआ चले? आप कुछ भूल रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं भूल रहा। बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलना आपको मुझे, मेरा एग्जाम है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे। अगर मेरे बेस्ट ऑफ लक बोलने से तुम टॉप कर जाओगी तो जरूर बोलता मैं, लेकिन तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स अपनी मेहनत से लेकर आओगी और लक का दूसरा नाम है मेहनत। राजी आप क्या कर रहे थे? इसमें अगर कुछ मिलाया होगा तो इन्होंने, तो कहा था ना मैंने, ध्यान रखिएगा किसी की भी बातों में मत आइएगा। सुमित्रा क्या हो रहा है यहाँ, बात क्या है? पक्का सुमित्रा आंटी ने इस दूध में कुछ तो मिलाया है ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके, मैं कह रही हूँ राज। अरे ये मोड़ी क्या बेहुदा इल्जाम लगा जा रही है मुझ पे, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? अगर आप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो एक काम कीजिए, ये दूध आप पीजिए। मैं क्यों डर गई ना, अगर कुछ नहीं मिला है तो प्रॉब्लम क्या है, पी लीजिए आंटी। अरे बच्चों के सामने माँ बाप कहाँ कुछ बोल पाते हैं, अब ये मोड़ी पता नहीं कितना मुझे सुनाएगी और क्या क्या इल्जाम लगाएगी। राज अगर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तू ये दूध में मत पी, कोई बात नहीं है। ये पूनम तो माँ बेटे के बीच में ना दरार डालना चाहती है, ठीक है अगर तू यही चाहती है ना तो आज से मैं रात से दूर रहूंगी, ये वादा है मेरा। मैं चाहती थी कि आप ये दूध नहीं पिएंगे। पता नहीं पूनम के दिमाग में कौन सा वहम घर घर गया, मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ, उसे साबित करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा और आगे भी अच्छा ही सोचेंगे। तो एक काम करिए, ये दूध का ग्लास आप पी लीजिए और पूनम को साबित कर दीजिए कि वो गलत है। ताकि रोज रोज का इल्जाम न लगा सके आप पर। इधर देख मेरी तरफ, तू इस पूनम के लिए एक माँ से उसकी ममता का सबूत मांग रहा है, शक कर रहा है अपनी माँ पर? शक नहीं कर अपनी माँ पर, पर ना ही ये पूनम के लिए कर रहा हूं बल्कि ये साबित करने के लिए कर रहा हूं कि माँ की ममता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूध का ग्लास पीकर साबित कर दीजिए पूनम को कि वो गलत है।